हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और होली वाले ब्लॉग में आप लोगों ने जो प्यार दिया ना भाई, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वो ब्लॉग तैयार किया था, तो आप लोगों ने उसमें प्यार भी दिखाया, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। फिलहाल तो मैं अभी अपने घर के लिए निकल पड़ा हूँ, क्योंकि अब हो चुकी है रेस्टोरेंट से छुट्टी। तो अभी देखो, मैं नाइट में ब्लॉग तो शूट कर रहा हूँ, तो अब इसमें ना दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इसे अपलोड करूँगा या नहीं करूँगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो GoPro ना नाइट में हो जाता अंधा, ये आप सभी को पता है। तो मुझे इसलिए नहीं पता कि GoPro में क्लैरिटी कैसी आएगी। और अभी मैंने 3-4 दिन से ना मोटो ब्लॉगिंग नहीं की है, पर वही ये मैं जब भी कुछ बात करता हूँ कि भाई मुझे करना है, तभी मैं पीछे पीछे हो जाता हूँ कुछ ना कुछ रीज़न से। तो देखो, जब भी मैं बोलता हूँ कि मेरे को कंटिन्यू ब्लॉगिंग करना है, तभी मैं फिर कुछ दिनों में रुक जाता हूँ, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी बीच में कि मैं मतलब नहीं कर पाया ब्लॉगिंग। पर लेकिन वही कि मैंने फैमिली ब्लॉग तो तैयार करा ही आपके लिए, क्योंकि अभी क्या हो गया था ना, होली फेस्टिवल भी था, तो रेस्टोरेंट में रश थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ना मैं काम थोड़ा सा मेरा डिले हो गया था। फेस्टिवल टाइप का कुछ भी आ जाता ना, चाहे होली हो, दिवाली हो, या न्यू ईयर आ जाए, या क्रिसमस आ जाए, कोई भी ऐसे फेस्टिवल टाइप हो जाए ना, तो हमारे रेस्टोरेंट में बहुत रश हो जाता है, तो इसलिए वर्कलोड ना ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो जाता है, तो इसलिए नहीं हो पाता फिर काम। ऐसा नहीं दोस्तों इस बार कि अगर लेट हो गए तो बस अब छोड़िए, नहीं भाई, मैंने पूरा ठान रखा है कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी लेट हो जाए, भाई हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं और कंटिन्यू आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग करने वाले हैं। चाहे एक आध दिन लेट हो जाएगा, वो चीज़ अलग है, जैसे कुछ ऐसे पर्सनल काम आ जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो बात अलग है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए भाई पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करता रहूँ, क्योंकि ना मेरा ही पैशन है और मैं ही उसको नहीं करूँगा अगर कंटिन्यू, तो भाई फिर क्या ही आप लोग भी इतना मतलब इंटरटेनमेंट होंगे। तो इसलिए भाई जितना मैं ज़्यादा दौड़ूंगा अपने काम में, उतना ज़्यादा आप लोगों को इंटरटेनमेंट होगा, और जितना आपका इंटरटेनमेंट होगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और मेरा चैनल ग्रो होएगा। इसलिए भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नाइट में भी आपके लिए ब्लॉग ला रहा हूँ। एक बार पहले भी मैंने नाइट में ब्लॉग शूट किया था, बट वो कुछ रीज़न की वजह से नहीं डाला था, कुछ कैमरा एंगल मेरा ऐसे ना सेट नहीं हो पाया था सही से, तो इस वजह से मुझे वो हटानी पड़ी। तो आज मैंने अपना जो कैमरा एंगल वो सही से सेट करा है। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, मैंने कैमरा देखा नहीं ढंग से, और मैं बस जल्दी में था, और वो एक्चुअली एक साइड को ही जा रहा था, और फुटेज सही से थी नहीं, तो फिर मैंने कहा यार क्या ही अब आपको दिखाऊँ, हैंडल इधर दिख रहा है, व्यू इधर को दिख रहा था, क्योंकि मैंने ना देखो हेलमेट के आगे दिखता नहीं है, थोड़ा सा दिखता है तो उसमें पता नहीं चलता। तो इसी रीज़न से भाई हम लोग मतलब कंटिन्यू पूरी राइड कराए, और फिर वो क्या ही बोलता हूँ, वो मैंने चेक ही नहीं किया, इसलिए मुझे डिलीट ही करनी पड़ी। तो भाई वो थोड़ा सा बुरा लगा उसमें, क्योंकि यार हम जब मेहनत करते हैं तो फिर वो मेहनत अगर डिलीट करनी पड़े किसी वजह से, तो यार दुखता है फिर उस समय। तो इसलिए आज ऐसी गलती नहीं करेंगे, और पूरी की पूरी तैयारी करी है मैंने, तो इसलिए दोस्तों आज ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पूरा जो एंगल है पूरा मैंने एकदम परफेक्ट सेट किया हुआ है, बाकी तो अब इसकी एडिटिंग में पता चलेगा कि सही फुटेज आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि मेन रीज़न क्या है, ये नाइट का। तो GoPro में अगर विजिबिलिटी अच्छी होगी तभी मैं इसमें से अपलोड करूँगा, वरना तो भाई आप सोचो खुद ही, क्योंकि जब विजिबिलिटी नहीं होगी वीडियोस में और कुछ क्वालिटी आपको नज़र नहीं आएगी, या फिर क्वालिटी हो पर सब अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, तो फिर आप लोग क्या ही इन्जॉय करोगे। विजिबिलिटी नहीं होगी और पूरा डार्क ही डार्क दिखेगा हर चीज़, तो आप लोगों को क्या ही मज़ा आएगा, सिर्फ वॉइस ही आएगी, तो आप लोगों को इंटरटेनमेंट नहीं होगा। बट मेरे को ना एक चीज़ से दिक्कत है, और वो क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये नाइट का व्यू शूट हो रहा है पूरा, इस समय मैं अपने संजय वन वाली रोड में हूँ, और स्ट्रीट लाइट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अगर मैं अपने नंगी आंखों से देखूँ तो एकदम क्लियर व्यू है भाई, एकदम साफ दिखता है, पर GoPro में ये विजिबिलिटी गायब हो जाती है और अंधेरा ही दिखता है, क्योंकि लाइट उतनी अच्छी है नहीं। और ऐसे ही एक वीडियो में भाई, जब नाइट में मैं कैचीधाम गया था, तब मैंने एक हाईवे पर जो लाइटें देखी थी जब उत्तराखंड जाते टाइम, भाई कितनी ज़बरदस्त विजिबिलिटी थी भाई, लाइट इतनी भयंकर, भाई मेरे को ना नीचे कंकड़ दिख रहे थे, अगर कोई पड़ा भी होगा तो इतनी ज़बरदस्त लाइट है। अब देखो बात आती है भाई मेन यहाँ पे, कि ये है दिल्ली, यानी ये है भाई हिंदुस्तान की राजधानी, तो यहाँ पे यार स्ट्रीट लाइट कितनी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट अच्छी है, बट लेकिन यहाँ दिक्कत बताया क्या है, अगर आप ऐसे वीडियोस नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं बना रहे हो, अगर नॉर्मली आप चल रहे हो तो ये लाइट आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें नो डाउट है, बट लेकिन ये लाइट इतनी भी अच्छी नहीं है भाई कि आप इस पर ट्रस्ट कर सको। अगर इसी मौसम में बारिश हो गई अभी इसी वक्त और भयंकर वाली, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये रात में भी हमको नहीं दिखती है भाई। अगर मैं हेलमेट का वाइजर खोल के चलाता हूँ ना, तब भी भाई ये रोड चमक रही होती है, ये दिखती ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई ये लाइटें इतनी बेकार है, और ये लाइट
लाइटें तो ऐसी है ना भाई, पता नहीं कौन से साल में किस बंदे ने लगाई होगी। और मुझे लगता है बस बल्बे चेंज होते होंगे और इसके आगे इसमें कोई काम नहीं होता होगा, क्योंकि ये खंभे ऐसे ही खड़े हैं। भाई मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो लाइटें वहाँ पे हाईवे पे लगती हैं भाई, वो सिटी में क्यों नहीं लगती हैं भाई। लाइटें ऐसी होनी चाहिए ना कि भाई बंदे को इतना क्लियर दिखे ना कि आप लोगों को मज़ा आ जाए नाइट में गाड़ी चलाने में, या फिर बंदा जो नॉर्मली घूम रहे हो ना रात में भी पैदल, उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि यार भाई यह दिन हो गया है। तो ये होती है लाइट। और रोडों पर ना अक्सर भाई लाइटें अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये लाइट ना बिल्कुल पता नहीं, मैं ऊपर आपको दिखाऊंगा आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, मैं सच में रात को नहीं दिखता। और यही चीज़ मैंने जब उत्तराखंड जाते समय शूट किया था वीडियो, भाई जहाँ पे लाइट नहीं थी वहाँ पे तो मुझे पता था कि नहीं है, पर जहाँ थी भाई वहाँ पे आप खुद बता देना मुझे कि आप लोगों को एक बार भी लगा कि भाई उस वीडियो में एडिटिंग करके रोशनी डाली हो कुछ डाली। नहीं भाई उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, मैं एडिटिंग करता ही नहीं हूँ, मेरे को नेचुरल फुटेज अच्छी लगती है, तो मैं कभी भी कलर भी नहीं बढ़ाता या कलर डाउन भी नहीं करता। मेरे को जो ओरिजिनल फुटेज होती है ना जो नेचुरल दिखती है, मुझे उसे ही शूट करने में मज़ा आता है और मैं उन्हीं चीज़ों को देखता हूँ, क्योंकि जो मैं देखता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस भी वही देखे। ऐसा कुछ ना देखे कि कभी मैं उत्तराखंड जाऊँ और खूब हरा भरा आपको शूट करके दिखाऊँ, मतलब बिल्कुल पागल हो जाए बंदे यार चलो उत्तराखंड। जब वो रियलिटी में वहाँ आएंगे तब उन्हें कुछ और देखने को मिलेगा। बहुत से लोग ना क्या है वीडियो को इन्हेंस करने के लिए खूब अच्छे उसके अंदर कलर ऐड कर देते हैं, बट लेकिन मैं कहता हूँ यार ओरिजिनल दिखाओ ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको भी फील होगा कि जो मैंने देखा वही मेरी ऑडियंस ने भी देखा, तो अपनी ऑडियंस को भी वही फील कराना चाहिए। अरे भाई मैं तो कभी कलर ऐड नहीं करता किसी चीज़ में भी, और मेरी वीडियोज़ जैसी भी है मैं नॉर्मल वैसी ही रखता हूँ। तो इसलिए भाई मैंने उस समय नाइट में भी कोई एडिटिंग नहीं की थी कि जिससे कि वो वहाँ की रोडें चमक रही हो और मैं आपको बहुत अच्छा विजिबिलिटी दिखा रहा हूँ, ना ही मेरे बाइक की लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने ऑन करी और बिल्कुल ही उजाला हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करा था भाई। क्योंकि नॉर्मली मेरी लाइट है, नॉर्मली मेरी बाइक है, आपको पता है कोई भी एक्स्ट्रा उसमें मैंने कुछ भी नहीं लगवा रखा है कि जिससे मतलब रोशनी आती हो। इसलिए भाई मैंने उन रोडों की जो लाइटें देखी ना तो वो तारीफ़ लायक है। और हाईवे पे स्ट्रीट लाइट अच्छी होती है, ये तो नो डाउट भाई। और देखो हाईवे पे ना स्ट्रीट लाइटें बहुत स्ट्रॉन्ग देनी होती है, ये सच्चाई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हाईवे इसलिए अच्छी लगाई है, यहाँ पे सिटी है यहाँ पे इसलिए बेकार लगी हुई है। ठीक है, हाईवे पे क्या होता है ना, ट्रैफिक नहीं होता, रेड लाइट नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे लाइटें इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बंदा दूर भी गाड़ी चलाता रहे ना तो उसको दूर भी पता चले कि भाई क्या हो रहा है, तो उसको एकदम क्लियर दिखना चाहिए। पर भाई मैं ये कहता हूँ शहरों में क्या दिक्कत है यार, शहरों में ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, नाइट में उल्टा सीधा लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, आधे बंदे तो गाड़ियों की रोशनी की वजह से नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और जो अपनी गाड़ी की हैं वो सीधा आंखों में चमकती हैं, तो भाई आधे एक्सीडेंट तो इन्हीं से ही हो जाते हैं। तो देखो तो ये सीन है भाई लाइटों का। तो इसलिए भाई मैं इस फुटेज को तभी डालूंगा जब मुझे थोड़ा इसमें लगेगा कि यार कुछ है, अगर अंधेरा ही दिखेगा, ये स्ट्रीट लाइट तो नाम की है तो फिर मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं है इसे डालने का, क्योंकि यार देखो डार्क साइड है, अंधेरा अंधेरा आप क्या ही देखोगे। और ये रोड देख सकते हो आप दोस्तों, जिस दिन मैंने फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग करने निकला था इतने टाइम बाद अपने घर से, तब याद है आपको मैंने बोला था पूरा रोड बंद है, तो मुझे पूरा घूम के मेहरौली घूम के वापस जाना पड़ा, तो वो इसी की वजह से। देखो अभी ये थोड़ा ढक दिया था, उस दिन ही पूरा खोद रखा था, तो भाई मैं बीच में आया था तो बहुत बुरा हाल था, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा घूम के, मैं रात को भी गलत आ गया था, मैंने ध्यान से उतर गया था तो फिर मुझे अंदर से घुमा के आना पड़ा। पर देखो ये आप देख सकते हो गाड़ी कितना हिल रही है आगे, और मैं भी जा रहा हूँ, देखो कितने स्मूथली ना ये भाई निकल जाती है इन गड्ढों से, मेरे को तो यकीन ही नहीं होता कितनी बार कि यार ये क्या ही चीज़ है। अब देखो मेरे को ना यही दिक्कत है, ये इतने बड़े बड़े गाड़ियाँ पता नहीं क्यों लेके आते हैं यार यहाँ, मुझे समझ नहीं आता, और इनको टेंशन तो होती नहीं है बट ये छोटी गाड़ी वालों को ज़्यादा डर लग जाता है। तो भाई अब सोचो उनको तो बचानी है, क्योंकि उन पर टकरा के तो भाई उनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हम तो टायर तक ही पहुँच पाएंगे, अब गाड़ी का तो पता नहीं क्या क्या बिगड़ जाएगा। तो एक तो यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है, और ये तो चलो फिर भी रात है कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अगर यही दिन में आया होता ना भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, देखो कितनी बार ना ऑफिस जाते समय यहीं पर ही यही मेन चौराया है सारा जहाँ पे ना भाई मैं हमेशा फंसता हूँ, और यहाँ पे ऐसी ये रात की जगह, ये सुबह पे आया होता ना तो मैं को भाई मैं कितनी बार भाई उधर किशनगढ़ के अंदर से फिर घुमा के लाया हूँ, जिसकी वजह से हमेशा मैं लेट हो जाता था। तो यार अभी तो फिलहाल ये रास्ता मैं देखने के लिए आ गया इधर से, वरना मैं नीचे से ही आता अभी भी, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये बन गया, पर अभी भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर यही दिन में अगर ये रोड ऑन होगा ना तो भाई बहुत जाम लगेगा, क्योंकि आप खुद देख लो उसकी हालत कैसी हो रखी है, तो वो बेकार ही है वहाँ से जाना, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं है अगर सुबह में, तो इसलिए सुबह उससे आना तो बेकार ही है, क्योंकि वो ना गाड़ियाँ जितने भी हैं वो एक ही साइड से आएंगी और एक साइड से जाएंगी, तो फिर वो जाम लग जाएगा। तो ये जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ से ना बेकार ही, क्योंकि भाई जब ये परफेक्ट था तभी भाई दो गाड़ियाँ आ जाए तभी हालत ख़राब हो जाती है, तो अभी तो वैसी उबड़ खाबड़ हो रहा है, तो अब क्या ही होगा आप खुद सोचो।
तो फिलहाल तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ मेहरौली की इन गलियों में, जो कि यार मुझे ना बहुत अच्छी लगती है रात में, क्योंकि देखो सुनसान हो जाता है, जैसे लाइटें जली रहती हैं और जब आप चलते हो ना तो ऐसा लगता है कोई नहीं है, तो उस समय मन करता है मेरा यार पूरी गलियों में ही घूमता रहूँ, तो यार बड़ा मज़ा आता है। और एक सुबह सुबह जब 4 बजे 5 बजे निकलो ना इन गलियों से तो बहुत मज़ा आता है। हाँ जरा वो कुत्ते एक्सरसाइज करा देते हैं ना, बस वो थोड़ा बेकार लगता है, क्योंकि वो पता नहीं क्या ही सोचते हैं, सुबह कौन आ गया, पता नहीं वो कहते कूड़े वाला आ गया, पता नहीं क्या है, ऐसे ही सोचते होंगे भाई, पीछे ही बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या है। जहाँ गाड़ी चल रही होती है 30 पे 20 पे गलियों में, फिर ये दौड़ा देते हैं भाई 50 40 पे, तो पता नहीं क्या एक्सरसाइज करा देते हैं। इनकी भी दुश्मनी मेरे को नहीं समझ आती भाई गाड़ियों। ओहो गो माता कैसे हो, चलो जी घर जा रहे हैं वो भी घूमते घूमते। अरे यार मेरे को ना लाइट से बड़ी दिक्कत हो रही है यार, मुझे ना ये भी दिखाना पड़ेगा, ये भी एक खर्चा है, तो ये बल्ब भी बदलवाना पड़ेगा मुझे, ले जाना पड़ेगा जहाँ पे पहले काम करवाया था वहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है उत्तराखंड राइड स्टार्ट होने वाली है मेरी, तो हम मई जून में हमारा जैसे भी प्रोग्राम रहेगा हम लोग बनाएंगे और निकलेंगे दिल्ली के लिए। फैमिली तो गाड़ी में ही जाएगी क्योंकि मैं बुक करवा दूंगा, और मैं निकलूंगा भाई आराम से चौधरी की तरह अपनी धन्नों के साथ, आप लोगों से प्यारी प्यारी बातें करते हुए, ताकि भाई आप लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके और मेरा ब्लॉगिंग हो सके। और वहाँ मैं इस बार कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ आपके लिए, क्योंकि इस बार पूरी फैमिली होगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो फैमिली के साथ एक अलग ही मज़ा होता है, तो सारे बच्चे साथ होंगे और बड़े साथ होंगे, तो हंसते खेलते आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाएंगे और फुंतरू के अच्छे अच्छे मोमेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो क्योंकि फुंतरू फर्स्ट टाइम जा रही है, तो इसलिए दोस्तों बस आप लोग बने रहे ब्लॉग में, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के लिए वो वीडियो मिस ना होए, तो चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपका भट्टा मिलता हूँ उससे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा।